सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत शुक्रवार को आरटीओ ट्रैफिक विभाग और सिविल पुलिस के द्वारा संयुक्त अभियान चलाकर महानगर में धड़ल्ले से चल रहे बिना परमिट के ऑटो रिक्शा को हटाया गया तथा इस दौरान कुछ ऑटो रिक्शा का चालान भी किया गया। इस दौरान आरटीओ प्रवर्तन डीडी मिश्रा, एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ, एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर ग्रामीण क्षेत्रों से परमिट प्राप्त करके शहरी क्षेत्रों में चल रहे डीजल ऑटो रिक्शा के विरुद्ध कार्रवाई की गई और मनमाने तरीके से चल रहे काले ऑटो को शहर से हटाया गया और उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों की परमिट पर शहर के बाहर चलने की हिदायत दी गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए आरटीओ प्रवर्तन डीडी मिश्र ने कहा, हर में जाम और प्रदूषण के समस्या को देखते हुए शहर से डीजल ऑटो रिक्शा शहर के बाहरी सीमा पे भेजा जा रहा है। ये ग्रामीण परमिट है। डीजल ऑटो ग्रामीण क्षेत्र में चलेंगे, इनको ग्रामीण क्षेत्रों में चलने का परमिट है, इनको निर्देशित किया जा रहा है वहाँ चलेंगे। जो गाड़ी जो डीजल ऑटो शहर के अंदर आएंगे उनका चालान किया जाएगा, बंद किया जाएगा। ये शहर में LPG या CNG गाड़ियाँ चलेंगी, आगे हम सभी गाड़ियों को CNG में बदल देंगे। जो LPG का अब जो परमिट ख़त्म होगा उसको हम CNG से बदलेंगे। मैं बंद कर दे रहे हैं गाड़ियों को, क्योंकि ये सभी गाड़ियों को अरे चालान होगा, बंद होगा। डीजल ऑटो वाले स्वतः शहर के बाहरी सीमा पे चले जाए, उनका पहले से है ग्रामीण क्षेत्र का परमिट है, वो ग्रामीण क्षेत्र में चलें, शहर के अंदर उनको नहीं आने दिया जाएगा।